सीधा बोला कि तुलसी भैया जब कोरोना में लोग मर रहे थे वो तुलसी भैया मिलावट कर रहे थे। बेबुनियाद निराधार आरोप जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बोला जा रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा इस बार तुलसी भैया के लिए, तो क्या रणनीति बनी है? आप जानते हैं जब सामेर का बेटा, सामेर का सेवक, सामेर का भाई चुनाव लड़े तो माँ भी बेटे के साथ है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, क्योंकि विकास क्या विकास भाजपा जो बोलती करती है। वोट से जीतेंगे तुलसी, ये निर्णय यहाँ का मतदाता करेगा। सावेर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट हमारे साथ हैं। तुलसी भैया, कल प्रियंका जी आई थी, आपकी पुरानी नेता भी रही हैं, कल उन्होंने सीधा सीधा बोला कि तुलसी भैया जब कोरोना में लोग मर रहे थे और तुलसी भैया मिलावट कर रहे थे। बेबुनियाद निराधार आरोप। मैं आपको बता दूं, 7 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री के साथ कोरोना की बैठक की, 9 को इस्तीफा दिया, 10 इस्तीफा स्वीकार, 10 तारीख को तरुण भानोट को दे दिया था। कोविड का दौर मध्य प्रदेश में 25 मार्च को पहला एक केस आया था अग्रवाल दंपत्ति, कहाँ से? जबलपुर से। बेबुनियाद निराधार आरोप है, शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावट के खिलाफ सिलावट। तुलसी क्यों किसानों के साथ धोखा करोगे? इसी सरकार में रहूँगा मैं, युवाओं के भविष्य खेलोगे उनकी इस सरकार में रहूँगा क्या मैं? हमारी बेटियों का सम्मान नहीं करोगे इस सरकार में रहूँगा क्या? कौन सा वचन पूरा किया इन्होंने? पहला वचन दिया था 2 लाख का कर्ज 10 दिन में माफ़ कर देंगे, दूसरा बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? बेटियों के 21 से बढ़ा के 51 कर देंगे, स्व सहायता समूह के लोन माफ़ कर देंगे। मैं उन भाईना से पूछता हूँ जो कुछ बोल के गई हैं, देश की नेता है, स्वागत किया मैंने सामेर में, पर नतीजा सामेर की जनता देगी और भाई बहन पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सामेर आपका क्षेत्र तो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बोला जा रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा इस बार तुलसी भैया के लिए, तो क्या रणनीति बनी है? आप जानते हैं जब सामेर का बेटा, सामेर का सेवक, सामेर का भाई चुनाव लड़े तो माँ भी बेटे के साथ है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, क्योंकि विकास क्या विकास भाजपा जो बोलती करती है। मैं आपके संज्ञान में 1-2 उदाहरण दे दूं। वर्षों में एक मैंने नारा दिया था नर्मदा मैया सावेर चलो, लोगों ने बोला लड़का पागल हो गया है, बावरा हो गया है। 52 गांव में नर्मदा पहुंच गई, 182 गांव में नर्मदा का काम चालू हो गया, और जल जीवन मिशन से 165 करोड़ 205 गाँव में दे दी। स्वास्थ्य आपको बताऊँ, 50 बिस्तर के अस्पताल, पहला अस्पताल सामेर, दूसरा मांगलिया, तीसरा कनाड़िया, चौथा कंपेल। एक नहीं 3 कॉलेज, ये कंपेल आए ना, कंपेल में कॉलेज, सामेर में 2 कॉलेज, CM राइज 2, PM राइज 2। स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति आई है, क्या आई है? सड़कों का देख लो आप चारों तरफ घूम के सड़कें देखो, पहले थी क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किसान सम्मान निधि किसने दी? पूरे मध्य प्रदेश में देश का पहला प्रांत है जहाँ 12,000 सम्मान किसानों को सम्मान नहीं दे रहा। आपका हूँ लाडली महीना, 54,000 इन्होंने आज तक नहीं सोचा। बहन से पूछता हूँ मैं, 1 करोड़ 32 लाख पूरे मध्य प्रदेश में, सामेर में 54, उनको हम 1,250 दे रहे हैं, 1,500 देंगे, 2,000 देंगे, 2,250 देंगे, 2,500 देंगे, 2,750 देंगे, आखिरी में 3,000 कितने देंगे? हमारी बहन का जीवन स्तर सुधरेगा, ये है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री आवास, इन्होंने तो एक इंदिरा आवास देते थे, हजारों की संख्या में पक्के मकान दिए बना के भारतीय जनता पार्टी ने। आपको जो कैंडिडेट हैं आपके सामने कांग्रेस की, वो तो बोल रही कि कुछ विकास नहीं हुआ विधानसभा में, आप दावे कर रहे हो, हम आपकी बात हम सुन रहे हैं तुलसी भैया, लेकिन जो आपके कैंडिडेट हैं वो आरोप लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के पास बचा क्या है? जो खुद अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, दूसरा वचन क्या पूरा करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप खड़े हो ना कंपेल के पास, 2 तहसील चलो दिखा दूँ, खुड़ेल में तहसील बन गई, कनाड़िया में बन गई, अस्पताल देखने चलो, ये सड़क आपके सामने दिख रही है, किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पूरे मध्य प्रदेश में 39 लाख किसानों खाते में डले थे, 17,000 करोड़, सावेर में 125 करोड़ और 50,000 किसानों खाते में, ये है भारतीय जनता पार्टी। आपने अपने काम गिनाए तुलसी भैया, मेरा आपसे ये है कि इतनी बड़ी बहुत बड़ी विधानसभा है सावेर, विधानसभा बहुत बड़ी है, और जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, अब वही कांग्रेस के नेता आपके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या तुलसी सिलावट ने क्या तैयारी की? आपने बताया
यही आरोप इन्होंने 2020 में लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक योद्धा ने, बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी ने, मंडल के अध्यक्ष, उन्होंने और सावेर के मतदाताओं ने इनका पूरी कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया था। कितने आरोप लगाए थे उस समय भी, 54,000 से जीता था। ये है भारतीय जनता, 54,000 जीता था। इस बार पिछले बार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, सबका आशीर्वाद मेरे साथ। इस बार कितने लीड माने, इस बार कितने वोट से जीतेंगे तुलसी? 1,00,000। ये निर्णय यहाँ का मतदाता करेगा। तो ये थे तुलसी सिलावट, बीजेपी के उम्मीदवार। उनका ऐसा कहना है कि पिछली बार तो मैं 54,000 से जीता था, लेकिन इस बार मैं उससे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। जनता मेरे साथ है, मैंने कार्य किया, मैंने विकास कार्य किया, जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सावेर, MP तक।